सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो हम जा रहे हैं अपने नई ट्रिप पे, तो आपको बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। हम पहले ही बता देंगे यार, हम वैष्णो देवी जा रहे हैं, क्योंकि हर बार हम आपको रखते हैं डाउट में कहाँ जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं वैष्णो देवी, बट ये वाला ट्रिप जो है यूनिक होने वाला है, क्योंकि इसमें जा रही है हमारी मम्मी जी साथ में, जो शायद आपको अंधेरे में दिखेंगी, दिख रही हैं, अच्छे से दिख रही हैं। उसके अलावा और ये देखो फुकरे पटपट बजाते हुए। एनीवेज, इसके अलावा जो एक चीज खास होने वाली है, ये हम ट्रेन पे नहीं जा रहे, ये हम जा रहे हैं अपनी प्यारी धनों पे। तो काफी मजा आने वाला है, अभी हम पिकअप करने वाले हैं लड्डू का। बीच बीच में क्या हो रहा है, पर हमारे साथ एक और पर्सन है जो कि है लड्डू कनाडा वाला, लेट्स लेट्स। तो वो भी जा रहा है, बहुत मजा आएगा, आपको मिलाते हैं। हाँ, मेरे गाड़ी चलाना मेरे को उसी ने सिखाया है, तो आज गुरुजी के सामने हम अपना टेस्ट देंगे, अपनी परीक्षा देंगे, और जब भी वो बोलेंगे उनका मुंह बंद कर देंगे। राइट, तो मिलते हैं आपसे आगे। वीडियो को देखते रहना, लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर देना, शेयर कर दिया करो। भाई क्या करते हो तुम, 1000 सब्सक्राइबर पूरा करवाने, अभी 750 से थोड़ा ऊपर, बस ऑलमोस्ट 800 हो चुके हैं। मुझे पता है आप लोग कर लोगे, जब ये कह रही है तो करना पड़ेगा भाई। चलो मिलते हैं, बाय बाय। पूरा परिवार छोड़ने आया, गाड़ी लॉक ना हो जाए, गुरुजी कह रहे तो मानना पड़ेगा। हाय हाय हाय, तू सामान लेके जाएगा ना, क्या हाल चाल भैया, कैसे हो? हाय हाय, आप सब YouTube पे हो गए, YouTube पे। अरे उसको चाहिए। गाइस देखो हमें गिफ्ट मिला, पीटी भी YouTube पे आएगी, आंटी भी आएगी। चलो यार निकलते हैं यार जल्दी, जय माता दी सबको, जल्दी जल्दी निकलते हैं, लंबा रास्ता है। बोलो बोलो बोलो। ये संजय के गुरुजी हैं जिन्होंने गाड़ी सिखाई है इसको। हाँ मेरे को इसने गाड़ी सिखाई है। अबे सीट गिर ली, सीट गिर गई तेरी। मम्मी ने पूरी सेटिंग कर ली है। क्या बोलना चाहते लड्डू जी आप? आंटी जी, ये चुल की बात होती, देखो गाड़ी चलानी सीखी इसने, चुल चुल में गाड़ी ले ली। सही बात है। कहता लड्डू मैं ना सीएनजी गाड़ी नहीं लूंगा, मैंने कहा पल्ले सीएनजी गाड़ी ले ले, 9-10 लाख की गाड़ी मैंने भी ली थी, सीएनजी ले ले, चलनी ज्यादा होती है, पेट्रोल सस्ते महंगे, सीएनजी सस्ती। सही बात है। अरे नहीं नहीं मैं गाड़ी कहाँ चलेगी मेरी, तो एक गाड़ी देख चलती ज्यादा है, मैं कहाँ चलाऊंगा, खड़ी रहेगी। और बल्ले ने एक महीने के अंदर 3000 किलोमीटर गाड़ी चला ली है, उत्तराखंड से लेकर यूपी, अब जम्मू कश्मीर, हरियाणा सब जा गया है। एक तो लेके आता है, दूसरी खुजली पहले मच जाती है। ठीक है आंटी, देखो जब तक अभी नया नया शौक है ना, तो अभी घूम भी है। अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है। नहीं भगवान शौक बनाए रखे हैं और पैसे भी देते रहे फिर शौक पूरे करने के लिए। एक और चीज मेरे दिमाग में एकदम से, मैं सुबह प्रीति को बोलती हूं चीज, मैंने कहा देखो आंटी पहले हम जाते हैं दोस्त दोस्त, फिर हम ले गए बीवियों को, हीना को और प्रीति को, अब मम्मी को लेके जा गए, अगले साल तक न्याने लेके जाएंगे, अपने न्याने ले ली। ये तो है, ये तो क्या इवॉल्व हो गए बल्ला और मैं, देख रहे हो? सही बात है, सही बात ही बल्ले, तो इसलिए तो गाड़ी ली है ना, भगवान ने कहा माता रानी ने, अब लो तुम्हारा टाइम आ गया, तुम्हारा टाइम आ गया। प्राइवेट जेट भी ले लिया, हर चीज का ना लड्डू समय होता है, समय होता है, समय होता है। हम पहुंच गए हैं गुलशन पे, आज हम गुलशन पे रुकेंगे, आज हम मन्नत पे नहीं रुकेंगे, आज हम सुखदेव पे नहीं रुकेंगे, आज हम रुकेंगे गुलशन भाई पे। देखते हैं यहाँ का खाना कैसा है, और लड्डू के रिकमेंडेशन थोड़े, और लड्डू ने पहले कभी कुछ खुद भी नहीं खाया जहाँ पे। नहीं आंटी सुनो, भीड़ देखो, लोग कहते हैं कि सुखदेव भाई पे, यहाँ जेन्युइन भीड़ होती है, सुखदेव पे जबरदस्ती वाली भीड़ है। गाइस आज आप बता दो मुरथल पे आपका फेवरेट ढाबा कौन सा है, कमेंट कर दो। तो फाइनली अभी पहुंच चुकी है गाड़ी गुलशन ढाबा पे, और मैडम ने गाड़ी चलाई है, लेके आई हमें यहाँ तक। एक गाड़ी भी एकदम ऐसे ऐसे चला के लाई है ये। आज हम आए हैं गुलशन पे, अबे मम्मी का है, मम्मी गुलशन ढाबा पे आए हैं। सुखदेव पे आज नहीं रुके, क्योंकि सुखदेव बहुत बिगार हो गया है, मतलब बिगाड़ के बड़ा बेसिक का हो गया, छपड़ी क्राउड, छपड़ी क्राउड। हां लड्डू भी वहीं जाता था, अभी बंद कर दिया, बल्ले ने सुनाया था मुझे बाइक पे। मोय 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 मोय, मम्मा पीछे कहां जा रही हो?
अब वहाँ का घूम के आ रहे हो मम्मा क्या हो गया? अरे गेट तो बंद होगा ना अभी आप आओगे तो। ये मम्मी हमारी गाड़ी की रक्षा करते हुए, ये रक्षा था रक्षक है। अभी ये साफ हो रही है, मक्खन लगवा लियो बस, पराठे में काम आ जाएगा हमारे वाले। और बेटा कैसा लग रहा है आपको? ये हमारी फर्स्ट ट्रिप, फर्स्ट ट्रिप हो रही है लाइक विद अ फ्रेंड एज वेल एज कम्पेयर टू फैमिली। तो हम दो तीन बार हो गया है बट विद फैमिली है ना। बट ये भी सिमिलर थीम पे है सुखदेव की, बट ये है कि ये वाला जो है थोड़ा वहाँ अज्यूम कर लिया कि लेके जा रहे हो बैठने की जगह। इंजन क्यों फोड़ देंगे मम्मा? चेक करे सही है क्या? जो करने गए थे वीडियो बनाने भूल गया ना, जो करने गए थे मजेदार। हाँ हाँ बहुत अच्छा बना, मजा आ गया। खोल के पेशाब आया, खोल के आया, खोल के आना चाहिए, पहले लिए पानी पीना है और अब खोल के खाना भी है तेन। की कहते भाई खाना आ चुका है हमारा, भाई के पराठे, हमारी दाल तड़का, दो रोटी, ओए होए होए, अगली रोटी भी क्या ही देते थे। चलो एनीवेज कोई नहीं, अभी खाना शुरू करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे आगे 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 आगे। चाट चाट के चटोरा, कनाडा वाला चटोरा हमारा। शॉट भी ले लिया, बताओ क्या बोलना चाहते हो? बोलने का डोसा नहीं आया, खाना नहीं आया, कोई बात नहीं आ जाएगा। बहुत ज़्यादा जुम्मन जी सर जी, हाँ ऐसा नहीं है, बड़े अच्छे लग रहे हो आप, यू लुकिंग ब्यूटीफुल। अभी अभी रात को 4-5 बजे वीडियो बनाएंगे हम गाड़ी में, जो आप खड़े होंगे ना। अभी सो गई नहीं, रात हो गई, सो गई मैं। नाइस शिफ्ट है आज। चलो चलो खाते हैं, खाते हैं गाइस, मिलते हैं आपसे। मम्मी ने थाली वाली सेट कर लिया, नींबू तो चाट, नींबू तो चाट खाओ। अरे जैकेट तो सीधी पहन लो मम्मा, पहन लो तो। अब जमा जेब में सामान रखना पड़ेगा तो फिर कैसे रखोगे? इतना नैपकिन आपके यहाँ क्यों पड़े हैं? ये कम कैसे हो गई अम्मा? चल वो तुम मिले हैं ना भी। Hi guys, welcome back to our channel. Welcome back to the video. ठंड लग रही है? ठंड लग रही नहीं। नहीं। So अभी हम कहाँ पहुँचे हैं? अम्बाला पहुँचने वाले, 10 किलोमीटर रह गए। और ये हमने क्या ब्रेक लिया? हमने लू ब्रेक। नो नो नो। लू की ना लू ब्रेक। हमने दिया टुई को थोड़ा रेस्ट देने के लिए। टुई अकड़ गई थी साड़ी। चलो अभी सामान वान निकल रहा है गाड़ी से, तैयारी हो रही है फुल, मजा आ रहा है वैसे ड्राइव करने में भी, अलग हाईवे का अलग मजा है। आए मेरी दन्नो चूड़ी पाई है, ये भी और ये भी, और एक अभी गई हुई है यहाँ पे। सो आगे बढ़ के हमें थोड़ा सा ऑफ रूट लेना पड़ा सिंगू बॉर्डर की वजह से, जो कि फार्मर्स प्रोटेस्ट की वजह से बंद है अभी भी। एंड इसके लिए आपको कम से कम 10 किलोमीटर गांव के अंदर से ऑफ रोड करके जाना पड़ता है, जो कि रात के टाइम काफ़ी डरावना होता है अगर ये गाड़ियाँ आसपास ना हो तो। दोस्तों ने भी बताई अपने, और हैरी पाई नू जरूर बताई, ऐसे याद किया सी। मैंने इसको बोला,
मम्मी का अलार्म बज रहा है, कितने बजे? मम्मी 4 बजे उठ जाती है। 4 बजे अलार्म? हाँ, तो अभी गाइस 4 बजे हैं, इसका मतलब ये भी है मैं पहले उठ जाती हूँ, सोती 2 बजे 1.5 बजे सोते हैं, फिर 4 बजे। 4 बजे उठ के क्या करते हो आप? 4 बजे उठ के तो 4 बजे अपना मम्मी उठ जाती है हमारी वैसे, क्योंकि अभी अलार्म बजा ना तो मम्मी उठ जाती है वैसे, टाइम से उठ जाती है वैसे, 4 से 4:15 मम्मी उठ जाती है। उसके बाद थोड़ा बहुत शायद मुंह नहीं इतना ज्यादा हो गया, बट कर लेती है 5:30 नहा भी लेते कभी कभार, फिर सो भी सो जाती है। फिर बट वो 4 से जो बीच का टाइम होता है ना उसमें मम्मी ऐसे उठती है बेड से, फिर उठ के बैठती है, फिर ध्यान मगन हो जाती है थोड़ी देर के लिए, बाबा से बात। फिर मैं मम्मी को आता हूँ, मैंने कहा इससे अच्छा लेट ही जाओ, फिर लेट जाती है, फिर आधे घंटे बाद फिर उठ जाती है, फिर ध्यान लगाती है, फिर लेट जाती है। बट ठीक है, अच्छी बात है यार, अपना मम्मी का रूल तो है यार सही है, 4 बजे उठ जाती है, भले कोई बात नहीं, 1-2 घंटे की नींद हो जाती है। तो अभी हमने जलंधर क्रॉस कर लिया, काफी ज्यादा गाड़ी चल गई, आई थिंक 350 तो वही थी, 450-500 चल गई होगी आई थिंक, 450 के आसपास मोटा मोटा। और अभी 5 घंटे का रास्ता है, तो ये हम देखेंगे, हमारा ETA दिखा रहा है, हम रात को निकले थे कितने बजे, ऑलमोस्ट 10:30 नहीं 10 का, तुम 10:30 निकल रहे, अबे हमारा नहीं मानेगा ना तेरे यहाँ से, 400 किलोमीटर चल गए भाई, 10:30 के आसपास हम निकले थे, और हमारा ETA है 11:51 सुबह के, तो मतलब ऑलमोस्ट 12-14 घंटे की ड्राइव है, बीच में हमने स्टॉप भी लिया है, थोड़ी खींच लिया तो अच्छी खासी आगे पहुंच गई है, पहाड़ वहाड़ आ चुके हैं, हम कहाँ पहुँचे हैं हमें आप अपडेट देंगे सर? हम पहुँचे अभी पठानकोट, थोड़ा तेज बोलो भगवान का नाम, हम पहुँचे अभी पठानकोट, और यहाँ से 100 किलोमीटर जम्मू है, हाँ थोड़ा 110 किलोमीटर 2.5 घंटे का रास्ता है जम्मू का। वाह वाह, 2-2.5 घंटे में हम पहुँचने वाले हैं बस, उसके बाद 1 घंटा कट रहा, बस 1 घंटा और कट रहा, तो वी आर वेल ऑन टाइम एंड गोइंग वेल। काफ़ी प्यारी सी ड्राइव हो रही है, मज़ा आ रहा है, एंड उसके अलावा ये जो हाईवे है एक्चुअली श्रीनगर एंड कन्याकुमारी हाईवे है, जो कि NH-44 है, और बीच में काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, जो कि ये जम्मू साइड को और अच्छे से कनेक्ट करेगा और स्मूथ करेगा एक्सप्रेसवे टाइप, तो बहुत ही बढ़िया है, मस्त है, अच्छा है। सो काफ़ी ऑन टाइम चल रहे हैं, हमने सोचा था कि हम 3-4 बजे तक पहुँचेंगे, और हम जो पहुँच रहे हैं वो हम पहुँच जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली 11:30-12 बजे तक, और फिर देखते हैं कि आज शिवखोड़ी हम जा पाते हैं या नहीं बेस्ड ऑन दैट टाइमिंग्स, है ना? चलो, यू आर एक्साइटेड? यस। एक्साइटेड? थैंक यू, गुड टू हियर दैट, या? कैसे जाना है? तो क्या? कटरा कैसे जाएं हम? कटरा ऐसे हो जाएगा। जम्मू? इधर तो जम्मू है ना? इधर से जाओ कटरा। जम्मू के लिए? जम्मू के लिए ये है वो है। ये है वो है। वाह वाह, दिल्ली ना बैठे हो? अच्छा ये बंद है। अच्छा बंद है, बंद है। जाने कितने का दे रही है? ये 120 की जोड़ी है मई, देख सुबह पहले मुंह नहीं करा। नहीं नहीं, हम तो इतने दूर से दिल्ली से जावे तो ना लेने, वैसे किधर जा रही है? पूछ रहे हैं हम तो, ये छोटा वाला जाने। अरे क्या लोगे तुम? लो आम पापड़ खाओ। आम पापड़ खाओ, लो मजे मजे। अरे मोर बहुत अच्छा लगे आम पापड़, मजा आ जाओ, इसको भी दे। क्या है दीदी, इसको ऐसे ले, ये लो। क्या ले रहा है भाई? भाई दोनों बहने हो, बार बार अलग अलग मत आना। सो अभी हम हैं जम्मू सिटी में, अभी बताएंगे। फाइनली श्रीनगर कटरा जा रहे हैं। श्रीनगर बोलो तो मजाक है क्या? सो अभी आप लोग सोच रहे होंगे हम कौन सी गलियों में घूम रहे हैं, हम यहाँ पे जम्मू में हैं, एंड जम्मू में हमने स्टॉप लिया है क्योंकि बहुत गाड़ी चला ली थी तुम्हारे भाई ने, और थोड़ा गुरुजी को भी दी थी हमने गाड़ी चलाने के लिए, और उसके बाद फाइनली हम पहुंचे थे जम्मू, एंड जम्मू में हमने स्टॉप लिया, और यहाँ पर हम खाने आए हैं, हमने 1-2 देखे थे यहाँ पे, छज्जू हलवाई जी के पास खाना खाने आए हैं, खाना क्या वो ब्रेकफास्ट मतलब, सुना था काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे भी कलारी फलारी यहाँ की फेमस जो होती हैं चीज़ें वो मिल रही हैं। नॉट इंटरेस्टेड ब्रो, लेट्स गो। वो एक पतली पतली गली यार, ये तो चांदनी चौक आ गया ऐसा लग रहा है।
क्या बात है। अरे हम आए तो थे, याद नहीं आपको? ये लेफ्ट में भी बड़ी सही जगह है शौचालय। तेरे को कहा था ना उधर ही ले। अभी हम आए हैं छज्जू की हट्टी पे। यहाँ पे पूड़ी और चने काफी फेमस है। आई थिंक सिमिलर टू चौधरी स्वीट, जो हमारे चौधरी वाला नहीं है शायद, उसके टाइप का कुछ होगा आई थिंक। हाँ वही है ना, चने के साथ वो भी खाते हैं, सही लग रहा है। अंकल जी ने डाल दिया भाई साहब पूड़ी बढ़िया थी तैयार करने के लिए, मज़ेदार, फुल फोकस पे बन रही है ये हमारे वहाँ। हमने वहाँ भी गए ना सीताराम पे, और जो चौधरी वाले पे मिलती है ना, सिमिलर टू दैट ये भी, बट उसकी तो टेस्टी होती है काफ़ी। और यहाँ पे क्या बना रहे हैं, और ये देखो छोले, और छोले भी पत्तल में बढ़िया से। ओए होए होए, हाँ मज़ा मज़ा, गजब गजब। भाई तुमने खाना है तो बोल दो ना। अच्छा जगह पे तो है वो, एक सीट खाली है। भाई कुछ भी हो सब्जी लेनी है दो बार। अच्छा दूध है, पनीर। अच्छा इधर पनीर बना रहे हैं भाई साहब, फुल सेटिंग है भाई साहब, बहुत सारा भाई साहब, बहुत सारा है यहाँ पे तो, फुल होलसेल का काम चल रहा है, बढ़िया। अभी इसको उबालेंगे, फिर फाड़ेंगे, फिर इसका पनीर निकलेगा। हाँ मशीन है ना, सही है, और नीचे भट्टी भी है। वाह वाह वाह, क्या बात है। कनाडा वाला चश्मा पहन लिया इसने, पोज क्या दे रहा है, सीधा देख। हाँ सीधा देख ले, सीधा भी ठीक ही लगता है तुम। और ये देखो लड्डू मैडम की एंट्री करवाता हूँ अपनी वीडियो में। क्या कह रहे हो? मार्केट है, मार्केट में है, रघुनाथ मंदिर है ना यहाँ पे जम्मू में, उसके फिर उसकी मार्केट है ये। ओके आप यूट्यूब पे आओगे? ओके आपने लाइक किया हुआ, सब्सक्राइब किया हुआ हमारे चैनल? यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, अपने आप आ जाएगा, टेंशन मत लो, आज रात तक पहुंच जाएगा। ठीक है भाई, देख लो बाकी। आप जाना चाहते हो? बढ़िया बढ़िया छोले आ चुके हैं भाई साहब, देख रहे हो नींबू का अचार के साथ छोले, प्याज के साथ। छोड़ दो आंटी, अखबार अम्मा ले जाना, आपको अखबार में दिलवा दूंगा, 10 रुपए किलो के ब्लैक आउट है। तीन प्लेट है। ये देखो अभी हमारा ना कुछ दर्शन का जुगाड़ हो रहा है, कुछ वीआईपी गेट का, और मैडम कह रही है वीआईपी दर्शन में वैष्णो देवी की चढ़ाई करके। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिये, जय हो। तो अभी हम कटरा पहुंचने वाले हैं, अभी हम रास्ते में ही है, और ये हमें दिखा रहा 46 मिनट में हम कटरा पहुंच जाएंगे, फिर वहाँ रूम लेंगे, फ्रेश होंगे, फिर आज के दिन तो हम थोड़ा रेस्ट वेस्ट करेंगे, फिर कल हम अपना चढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट करेंगे। चढ़ाई वढ़ाई रेस्ट वेस्ट, ठंडा होता है पहाड़ पहाड़, खेत वेत कहीं पूरा खून का असर होगा। चढ़ाई स्टार्ट करेंगे, चढ़ाई वढ़ाई 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 भी वैष्णो देवी चढ़ाई कल हम करेंगे, फ्रेश फ्रेश होंगे, चढ़ाई। देख ओ माय गॉड, ऊंचे भाई ये बड़ा तगड़ा बना रहे, क्या बना रहे हैं? हाईवे बन रहा है शायद, ये ट्रेन का तो नहीं बन रहा, ट्रेन का जो है शायद उसका है ना, वही है ना, इतनी ऊंची ऊंची लेना तेरे से बात, तो पहाड़ों से भी ऊंची बना रहा है, की बात कर लेते हैं वो बना के फ्लाईओवर। सो ये जम्मू से कटरा के रास्ते में ये पिलर बन रहे हैं सामने, बहुत बड़े बड़े, पता नहीं किस लिए बन रहे हैं भैया ये पिलर, ये बन रहे हैं ये ट्रेन के लिए बन रहे हैं या हाईवे? अच्छा हाईवे के लिए बन रहे हैं, यमुना एक्सप्रेस वे दिल्ली से कटरा, क्या बात कर रहे हो? अच्छा जी बड़ा तगड़ा बना रहे यार, तुमने सही बता दिया हमें, अब हम डायरेक्ट आ जाएंगे, दिल्ली से आए हैं वैसे हम। वो देखो वहाँ फोल्ड के फोल्ड वो चल रहे हैं, मुझे तो लग रहा है ये व्लॉग खाली हमारा ड्राइविंग एक्सपीरियंस कटरा तक पहुँचने का जो हमने करा है उसी के बारे में रहेगा, और यहाँ से
मैं ज़्यादा आगे तो नहीं जा सकता क्योंकि डेंजर मामला है, आप देख लो, ये दिख नहीं रहा मगर डेंजर ये और वहाँ गाय बैठी हुई है, शायद दिख रही हो। और ये पूरा वैली है एक बहुत प्यारी सी, वाह, ये सारा हाईवे का कटिंग वटिंग चल रही है, ये सारा बना रहे हैं, ओए हरकत मत करे, ये सारा हाईवे की आई थिंक कटिंग चल रही है, रोड वोड बना रहे हैं यहाँ पे। कितने ग्लास? तीन बना दे पहले। तो चलाओ आप। मैं चलाऊंगी, 10 रुपए और कम, 10 रुपए और कम। जूस वाला, संतरे वाला, मैंने बड़ा वाला जूस, ताजा जूस। आंटी जी जूस पिला दो, जूस जूस पियो, जूस मौसमी का पिला दो, मौसमी का सब पिलाएंगे हमको, जो मर्जी पियो। बेचारा थक जाता होगा, है ना, हाथ बाजू भी तो थक जाती है ना, दोनों बाजू से चलाया करो, एक हाथ तो ना एक्सरसाइज हो जाती है। चलाओ चलाओ करो, अपनी हो गया, फाड़ के बैग दो, आराम आराम से चलाओ इसको, चलाओ अभी धूप निकल गया है, बाजार के 150 देने ये कौन खाएगी? गाय खाती है, ऐसे होता है, ऐ नहीं होता, गाय खाती है आंटी जी, गाय गाय तो है नहीं यहाँ पे, आएंगी वो अभी। नमक मसाला? हाँ नमक डाल, ये चीनी खट्टा है क्या? ज्यादा मत डालिए, ज्यादा मत डालिए, हाँ शुगर है ना, मैं बहुत रेस के शक्ल दिखाना है जरा। भैया एक बात सुन, अनार तो डालना नहीं, कहाँ दो दाने डाले होंगे, चार गिनके डाले अनारे, रखे गांधी की नहीं ले, चुकंदर डाला, झूठ बोल रहा है, अनार भी डाला था। भैया एक बार सुन, अनार के दाने दिखा जरा, इतना झूठ बोल रहा, पूरा डालता ना तीन ग्लास में, हाँ, थोड़ी लगता है। इतना सा अनार है उसका भी तो वो हिस्से बना रहा है, बता तुम्हारी वीडियो आएगी यूट्यूब पे, ये तो जो तुम हमारे साथ कर रहे हो ना, अनार नहीं डाला, नहीं आज है, नहीं डालना वीडियो, ये कलसी हो रहे हैं, चैनल नंबर चैनल यूट्यूब पे पंजाबी पहाड़ी कनेक्शन, हाँ पंजाबी पहाड़ी वो कनेक्शन, इसका नंबर लेके कर देना, ठीक है और क्या, पंजाबी आंटी पहाड़ी बल्ली कनेक्शन इनका बल्ला। देखो आंटी ये बेस्ट जूस बनाया था, बिल्कुल नेचुरल, बराबर तीन गिलास, हाथ किसका लगा है? मेरा ही लगा, आप ये तो बोल रहे हैं, जो ऐसा जूस बनाया था बिल्कुल बराबर बनाया, तीन गिलास का जरूर करा, पीला मेरा एक साथ में। सो ये है हमारी पहली क्या कहते हैं इसे, टनल, जो कि जम्मू से कटरा जाते हुए आती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से बनाई गई है। वाओ क्या बात है, पहाड़ों को काट के बनाया गया रास्ता हमारे लिए, काफ़ी छोटी सी है, आई एम नॉट श्योर कितनी आती है, बट ये बहुत छोटी सी है, ये वाली पहले अटल ना, हाँ 10 किलोमीटर की टनल है वो, हाँ आंटी जी पहाड़ की साइड ऐसा है, एक साइड मनाली साइड ऐसा, आप ऐसे देख रहे हो ना, 10 किलोमीटर के बाद जाओगे ना सारे बर्फ, दुनिया है 10 किलोमीटर के अंदर, अलग दुनिया है, मतलब गए थे पीती और मैं, हाँ बहुत अलग दुनिया है, नहीं फर्क तो है, चीज का पता चल रहा था अलग से। चलो ठीक है भाई, दिस इज टनल नंबर 2, बैक टू बैक बैक टू बैक, टी टू की हाल चाल है थोड़े, टी टू पाजी, ये है टी टू, मतलब टर्मिनल 2, नॉट टर्मिनल 2, टनल 2, ये है T3, ये बड़ी है, और बड़ी है, ओ भाई ये सही बना ली मैंने, ओ वाओ यार, टनल नंबर 1 या बड़े पकड़ियो, पकड़ सकती है संतरा का जी, भाई ये सीधा देख, एक खत्म है दूसरी शुरू हो गई, प्लस कितनी सीधी बनी हुई है भाई, ये पूरा पहाड़ काट के बनाया हुआ है, कितना टाइम लगता है इन चीजों को बनाने में, पहाड़ के अंदर है अभी बंद कर दिया, कहीं फेंको तो सही मुंह पे आ जाएगा, बंद कर दिया, और ये वाली काफी बड़ी है, अच्छा काला काला दिख रहा है, मैं काला चश्मा पहना हूँ, उतारा ही नहीं,
मैं कहीं अंधेरा क्यों है, लाइटें चली हुई। ओए वाह ये ओए रास्ता भी था, वाह यार पहाड़ के अंदर हमारे ऊपर इतना बड़ा पहाड़ है। हाँ क्या वास्तु बनाया हुआ। ओए होए 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 वाओ। सो फाइनली पहुंच चुके हैं हम वैष्णो देवी कटरा अपनी नेक्सॉन पे, प्यारी सी छोटी सी क्यूट पाई सी नेक्सॉन पे पहुंच चुके हैं। मज़ा आ गया ड्राइव करके, मैं तो मतलब इतनी लंबी ड्राइव तो करी नहीं थी, बट अच्छा एक्सपीरियंस हो गया। अप्रॉक्स 750 किलोमीटर के आसपास का, और हमें पहुंचने में लगे अभी टाइम हुआ होगा आई थिंक, अगर मैं टाइम देखूँ तो अभी देखा नहीं मैंने वैसे, बट इट्स अराउंड 12 PM और हम रात को 10:30 के आसपास निकले थे, तो 14.5 घंटे में हम पहुंच चुके हैं दिल्ली से कटरा इन आवर नेक्सॉन। की फ़ोटो तो बनती है रे बाबा, बहुत ही मज़ा आ गया ड्राइव करके। पूरी ड्राइव जो है मैंने करी है एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। एंड लड्डू ने भी चलाई है जो मेरे गुरुजी हैं कनाडा वाले। एंड यहाँ आज प्रोग्राम अपना रेस्ट करने का है, अभी होटल लेंगे, अभी होटल देख रहे हैं, हम देखते हैं कौन सा होटल मिलता है और फिर रेस्ट करेंगे। शायद शाम को हम मार्केट चले हैं थोड़ा घूमने फिरने।